परिवार में है कौन? बेटा है, अकेला बेटा है, दुर्भाग्य है कि पत्नी नहीं है। नीतीश जी के ये सुविधाजनक हो गया है, बेटे को का एहसानमंद होना चाहिए कि बेटा ने राजनीति से संन्यास ले लिया, इसलिए परिवारवाद के आरोप से बच गए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मेरा नाम उदित तारण है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उनका कहना था कि सही मायने में समाजवादी नेता अगर आज कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हों या फिर मुलायम सिंह यादव हों, ये परिवारवादी पार्टी बन चुके हैं। तो इस पर क्या कहा गया है शिवानंद तिवारी के द्वारा? देखिए, शिवानंद तिवारी ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के लिए सुविधा है कि वो समाजवादी हैं, क्योंकि उनका जो बेटा है निशांत वो राजनीति में आना नहीं चाहता, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उनकी पत्नी भी जीवित नहीं है। तो इशारों में शिवानंद तिवारी ने साफ कह दिया कि जब परिवार में कोई है ही नहीं तो नीतीश कुमार समाजवादी नहीं होंगे तो क्या होंगे। ये पूरा वीडियो सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। परिवार में है कौन? बेटा है, अकेला बेटा है, दुर्भाग्य है कि पत्नी नहीं है। वो बेटा जो है उसको भी हम अपने ही बेटा जैसा मानते हैं। बहुत इंतज़ार के बाद वो लड़का हुआ था। हम लोग 4 घंटा तक अस्पताल में मंजू गीता मिश्रा के यहाँ बैठे रहे उसके इंतज़ार में। उसने साफ नकार दिया है कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तो उसके बाद फिर बचा ही कौन? तो ये नीतीश जी के ये सुविधाजनक हो गया है, बेटे को का एहसानमंद होना चाहिए कि बेटा ने राजनीति से संन्यास ले लिया, इसलिए परिवारवाद के आरोप से बच गए। तो आपने सुना शिवानंद तिवारी को, कल प्रधानमंत्री ने जमकर अटैक किया था लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव पर। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, जो अपनी पार्टी को समाजवादी कहती है, लेकिन समाजवाद ऐसा वहां कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह परिवार की पार्टी बन चुकी है। तो इस पर कटाक्ष किया गया शिवानंद तिवारी के द्वारा। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार समाजवादी इसलिए है क्योंकि उनके लिए सुविधा है, ऐसा मौका है उनके पास कि उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीति में एक्टिव नहीं है, और उनके परिवार में लोग ही कितने हैं, पत्नी है वो नहीं है, इसे वो दुर्भाग्य भी बता रहे हैं, और बेटा है जिसके जन्म की चर्चा भी की है शिवानंद तिवारी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर अकेले नहीं रहेंगे तो उनके परिवार से कौन राजनीति में आएगा? नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि जयप्रकाश नारायण हो या फिर राम मनोहर लोहिया या फिर जॉर्ज फर्नांडिस, इनके परिवार से जिस तरह कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं था, ठीक उसी के राह पर चल रहे हैं नीतीश कुमार। अपने पूरे परिवार में दूर दूर तक भी उनका कोई रिश्तेदार जो होता है वो राजनीति में नहीं है। शिवानंद तिवारी ने क्या कहा, ये आपने सुना। बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।